नोट के बारे में, उस नोट में ऐसा क्या होना चाहिए कि नोट आपका 30,000 का बिकेगा, तो बिल्कुल आप लोग ट्रैक्टर वाले नोट या जो भी एक एक रुपए के जो मेरे पास में ये नोट है, ऐसे नोट आप सेल करना चाहते हो, ये देख सकते हो 1 रुपीज, और ये मेरे हाथ में है ट्रैक्टर वाले नोट। ये अशोक स्तंभ की सीरीज पे जो जारी हुआ था वो ट्रैक्टर वाला नोट है। इसमें आप पीछे की तरफ यहाँ पे देख सकते हो किसान ट्रैक्टर और सूर्य का निशान दिखाई देगा, ये बिल्कुल, लेकिन होने चाहिए आपके UNC कंडीशन के। सामने की तरफ से देखोगे तो यहाँ पे अशोक स्तंभ का पोर्ट्रेट नजर आएगा, लेकिन दोस्तों मैं इस नोट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ जो महात्मा गांधी का पोर्ट्रेट वाला नोट था उसकी बात। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी के पोर्ट्रेट वाले 5 रुपए के ट्रैक्टर वाले नोट इतने दिन तो 5 के 7 मिल रहे थे, लेकिन अब वो नोट हो चुके हैं पूरे 30,000 रुपए के। तो बिल्कुल आप लोग ट्रैक्टर वाले नोट सेल करना चाहते हो तो आज का ये वीडियो पूरा देख लेना, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, क्योंकि दोस्तों पहली बार किसी ट्रैक्टर वाले नोट की इतनी प्राइस हुई है, वो भी ऑक्शन हाउस या कॉइंस एग्जीबिशन या जो भी कलेक्टर्स है उनके द्वारा ये दावा किया गया है कि 5 रुपए के ट्रैक्टर वाले नोट बिकेंगे। तो फाइनली ये आपके लिए खुशखबरी है दोस्तों, और मैंने आपको कहा था कि आपके ट्रैक्टर वाले नोटों की रेट बढ़ने वाली है, और आज से मेरा 3 महीने पुराना वीडियो उठा के देख लेना, मैंने पूरा क्लियरली समझाया है। और बिल्कुल आपको उस नोट में क्या देखना है, अब सिंगल नोट की क्या प्राइस होगी और गड्डी कैसे बिकेगी, तो आपके पास में होना चाहिए सबसे पहले महात्मा गांधी पोर्ट्रेट वाला 5 रुपए का ट्रैक्टर वाला नोट। उसमें दोस्तों जो प्रीफिक्स होती है, प्रीफिक्स के अंदर आपको पता है प्रीफिक्स जो नंबर होते हैं वो भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं, ना 786 ना स्टार वाले नोट, बस आपको चाहिए आर इनसेट वाले नोट। आर इनसेट अगर जैसे कि आप देख पा रहे हो ट्रैक्टर वाला ये नोट मेरे पास में है, जैसे इस नोट पे आपको बता रहा हूँ, ये जो यहाँ पे प्रीफिक्स आ जाता है, प्रीफिक्स के यहाँ पे जो सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर के नीचे आप जब देखोगे तो वहाँ पे एक आर दिखाई देगा, यानी बड़े अक्षर का आर लिखा होगा, वही आर इनसेट वाला नोट है। और सिग्नेचर जो गवर्नर है, गवर्नर के सिग्नेचर आपको देखने हैं, YV रेड्डी के सिग्नेचर वाले नोट, तो YV रेड्डी के सिग्नेचर वाले नोट जो आर इनसेट में बने थे, वही नोटों की कीमत हुई है दोस्तों पूरे 30,000। अब 30,000 दोस्तों पूरी गड्डी की है, यानी कि एक गड्डी आप 30,000 रुपये में बेच सकते हो। आपके पास में अगर आर इनसेट वाले ट्रैक्टर वाले नोटों की एक गड्डी होगी तो वो आपकी बिकेगी पूरे 30,000 में। एक नोट का आप कैलकुलेशन करते हो तो एक नोट बिकेगा 300 में, तो बिल्कुल दोस्तों 300 रुपये का एक नोट, जो आज से पहले हर एक बंदा लेता था 7 रुपये में, और ट्रैक्टर वाले नोट वालों को तो मेरे हिसाब से एंट्री भी नहीं होती थी, और जो ट्रैक्टर वाले नोट बेचते थे उनको कॉइंस कलेक्टर नकार देते थे और कहते थे कि आपका नोट नहीं बिकेगा। तो ट्रैक्टर वाले नोट के बारे में मैंने पहले भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ, आर इनसेट का अगर आपके पास में नोट है, UNC कंडीशन का नोट होना चाहिए, यह नहीं कि नोट कटा फटा हो और समेटा हुआ हो, बिल्कुल एकदम फ्रेश नोट होना चाहिए, और फ्रेश नोट की अगर आपके पास में गड्डी है तो आप पाओगे पूरे 30,000। किसी भी कॉइंस एग्जीबिशन में चले जाना, दुनिया की कोई सी भी कॉइंस एग्जीबिशन में चले जाना, अगर आपका आर इनसेट वाली नोट की गड्डी हो और आपका सेल नहीं हो तो आप मेरे बारे में बता सकते हो, या मेरे जो नंबर आपको दिए हैं उन पर कॉन्टेक्ट करके मेरे को बता सकते हो कि रोहित भाई ये हुआ है। तो अब बात करते हैं दोस्तों, ये था 5 रुपए के ट्रैक्टर वाले नोट के, मेरे हाथ में मैं ले रखा हूं दोस्तों 1 रुपीज जो नोट आए थे 1 रुपए वाले। अब इन नोटों का भी क्या वैल्यू है, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था और आज फिर से बता रहा हूं दोस्तों, आपको पता है 1 रुपए के नोट भी काफी महंगे है। अब 1 रुपए के कौन से नोट महंगे दोस्तों, आप इनमें ढूंढते हो 786 स्टार वाले नोट, लेकिन आप गलत ढूंढते हो, 786 का कोई वैल्यू नहीं होता, 786 लगभग मेरे हिसाब से 1 रुपए का नोट है तो वो आपका 20 से 25 रुपए में बिकेगा। लेकिन दोस्तों अगर इन नोटों के अंदर मैं आपको बताता हूँ सिग्नेचर हो मोंटेक सिंह आलू आलिया के, यानी मोंटेक सिंह आलू आलिया वाले सिग्नेचर वाला अगर नोट आपके पास में है तो वो फाइनली आपका महंगा बिकेगा, 100+ अभी प्राइस चल रही है एक नोट का 100 रुपये। आने वाले समय में मैं फिर से बता दिया आपको कि आने वाले समय में उसी का भी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। साथ ही दोस्तों माता वैष्णो देवी वाले सिक्के, माता वैष्णो देवी वाले सिक्के के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको काफ़ी सारा वीडियोस दिए हैं कि कैसे बिकेगा। साथ ही मैंने आपको जो वेस्ट बंगाल से जो रीना जी है उनके बारे में भी बताया था कि वो भी कॉइन्स कलेक्शन करना चाहते हैं और कलेक्शन करेंगे, आप लोग उनके भी चैनल पर जाके देख सकते हो, ओल्ड कॉइन्स कलेक्शन उनका चैनल है, वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे वीडियोज मिल जाएंगे। और कॉइन्स एग्जीबिशन की बात करते हैं तो कलकत्ता के अंदर कॉइन्स एग्जीबिशन है, हल्दीराम बैंकेट हॉल के अंदर, 24 ब्लाइगुम पार्क कलकत्ता,
तो आप बिल्कुल वहाँ पे भी जा सकते हो। आज तीसरा डे है, तो जो भी साथी वेस्ट बंगाल के नियर बाय से है प्लीज वहाँ पे विजिट करना। इसके बाद में कोइंस एग्जीबिशन आएगा कोटा में, तो जो भी साथी राजस्थान से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे जा सकते हैं, और हमारी जो ट्रिवेंट टीम है वो भी आपको वहाँ पे मिलेगी, तो बिल्कुल आप लोग आइएगा। और साथ ही दोस्तों आपको बार बार बताया था कि जो नोट होते हैं वो कहाँ बिकते हैं, तो वो बिकते हैं कोइंस एग्जीबिशन में, बिना किसी रजिस्ट्रेशन चार्ज, बिना किसी RBI लेटर, कुछ नहीं देना, आपका नोट 100% बिकेगा। तो दोस्तों ये वीडियो छोटा है लेकिन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रैक्टर वाले नोट को लेकर। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, राम राम।